एमपी में गरीबों को फ्री में प्लॉट देगी शिवराज सरकार। टीकमगढ़ से शुरू होगी योजना। कैबिनेट ने लिए कई अहम फैसले। नमस्कार, देखिए भोपाल की विशेष खबर। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार नए साल पर गरीबों को फ्री में प्लॉट देने जा रही है। कैबिनेट बैठक के पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सरकार गरीबों को प्लॉट देगी। इसके लिए आवासीय भू अधिकारी योजना की शुरुआत बुधवार को टीकमगढ़ जिले से की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कल का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज होगा। टीकमगढ़ जिले के 10,500 लोगों को 120 करोड़ कीमत के प्लॉट बांटेंगे। जमीन का पट्टा पति पत्नी के नाम पर होगा, कोई प्रीमियम नहीं लगेगा। प्लॉट का मॉडल साइज 600 वर्ग फीट और स्थान के अनुसार रहेगा। सीएम शिवराज ने कहा कि प्रदेश की धरती पर कोई गरीब आवासीय जमीन के बिना नहीं रहेगा। हम मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकारी योजना के तहत निशुल्क प्लाट देंगे। कल टीकमगढ़ से लॉन्च होगा आवासीय भू अधिकारी योजना। सीएम ने बताया कि वह उपचुनावों के समय टीकमगढ़ जिले के दौरे पर गए थे। पृथ्वीपुर विधानसभा का कुछ हिस्सा टीकमगढ़ जिले में आता है। वहां एक गांव में लोगों ने बताया था कि उनका परिवार बड़ा होने के कारण सदस्यों को रहने की जगह नहीं है। एक ही घर में 40 से 50 लोग रह रहे हैं। हालात ये है कि सोने की जगह नहीं है। तब ये फैसला किया गया था कि ऐसी योजना बनाएंगे जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में जिनके पास रहने की जगह नहीं है उन्हें फ्लैट देंगे। नए साल 2023 में शिवराज सरकार की कैबिनेट की मंगलवार को पहली बैठक हुई जिसमें कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। कैबिनेट ने निर्विरोध निर्वाचित ग्राम पंचायतों की पुरस्कार राशि बढ़ाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी। साथ ही मेडिकल कॉलेज में पीजी सीटें भी बढ़ाई गई हैं। पंचायतों को पुरस्कृत करने के लिए राशि बढ़ाने का फैसला लिया गया। निर्विरोध सरपंच निर्वाचन पर 5 लाख रुपए का अवार्ड दिया जाएगा। लगातार दूसरी बार निर्विरोध सरपंच चुने जाने पर 7 लाख रुपये दिए जाएंगे। पंच सरपंच सहित सभी पदों पर महिलाओं के निर्विरोध निर्वाचन पर 15 लाख का पुरस्कार देने का फैसला हुआ है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने पीजी सीट्स बढ़ाने के लिए 614 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। 9,200 सीएम राइज स्कूलों के निर्माण के लिए मंजूरी दी गई। पहले चरण में 370 स्कूलों का निर्माण हो रहा है। 45 स्कूलों की डीपीआर बनकर तैयार हो गई है। 2,660 करोड़ रुपए की मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है। सरपंचों के मानदेय को 1750 से बढ़ाकर अब 4,250 रुपए प्रति माह देने का फैसला हुआ। इसमें दूरभाष और सत्कार भत्ता भी शामिल रहेगा। इसमें सरकार पर सालाना 69 करोड़ का भार आएगा। एसटी वर्ग के छात्रों को कोचिंग के लिए आकांक्षा योजना शुरू की गई है। इसमें 2 बेंच में 800-800 बच्चों की कोचिंग दी जाएगी। इसमें संभाग स्तर पर ऑफलाइन कोचिंग संचालित होगी। 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को फ्री कोचिंग कराई जाएगी। 10वीं में पास होने वाले बच्चों को कोचिंग संस्थानों में प्रवेश दिलाकर 11वीं और 12वीं कक्षा की पढ़ाई कराई जाएगी। 181 सीएम हेल्पलाइन में सीटें बढ़ाने का फैसला हुआ है। इसके कॉल सेंटर में 300 सीटें थी, इसमें 120 सीटें और बढ़ाई जाएगी। सुशासन के मामले में केंद्र सरकार के 4 कैटेगरी पर रैंकिंग की थी। सुशासन के चारों पैरामीटर पर मध्य प्रदेश अव्वल रहा है। पीएम मातृ वंदना योजना 0.2 को जारी रखने की मंजूरी दी गई है। इसमें 60% अंश केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार भागीदारी देती है। इस योजना में पहले प्रसव के बाद माताओं को 5,000 रुपये दिए जाते थे, अब दूसरी डिलीवरी में बेटी पैदा होने पर 6,000 रुपये दिए जाएंगे। 10 संभागीय ज्ञानोदय आवासीय विद्यालयों में नियमित पदों का सृजन और लैब में संविदा वर्ग 3 के समकक्ष पदों के सृजन की स्वीकृति। सूर्योदय योजना को फिर शुरू करने का फैसला हुआ है। गांव की महिला और बेटियां पुलिस और ग्रामीण के बीच सेतु का काम करेगी। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज़।